This is the video relating to our chapter second. Chapter name is changing in the profit sharing ratio among the existing partners. Class 12, subject accountancy. Topic is our method of valuation of goodwill by weighted average profit method. Last video में हमने इसके बारे में theoretically पढ़ा था. अब हम इसके बारे में questions देखते हैं. ठीक है? तो question हमारा क्या है? Question है हमारा the profit of the firms. ये हमारा क्वेश्चन है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट फोर इयर्स are rupees 20,000, rupees 25,000, rupees 30,000, and rupees 35,000. ये हमारे एवरेज प्रॉफिट के लिए है. आगे कह रहा है इफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी valued at 3 year purchase of weighted average profits after arising assigning weightages of 1, 2, 3, and 4 respectively. To the profits ठीक है. Then goodwill of the firm to the profits. ये क्वेश्चन हो गया हमारा. अब आंसर हमारा क्या बनेगा? जो आंसर हमारा आएगा वो आंसर इस तरह से बनकर आएगा. ठीक है. Last 4 years for the calculation of
तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो किस तरह से प्रॉफिट निकल कर आ रहा है हमारा, ये हमारा प्रॉफिट निकल कर आएगा, ये हमारा वीटेज आ जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे प्रॉफिट्स, वेट्स, वेट्स और ऑर्डर। ठीक है, ये हमारा बोलता रहेगा। प्रॉफिट कितने कितने हैं हमारे, 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है और 35,000 है। ये तो हमारे वेटेड वो आ गए हैं और प्रॉफिट आ गए। वेट था हमारा 1, 2, 3 और 4। अब इसका इंटू करते जाएंगे तो हमारे प्रोडक्ट निकल कर आते जाएंगे। तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आ गया 20,000, 50,000, 90,000 एंड 1,40,000। ओवरऑल ये हमारे वेटेज निकल कर आ जाएंगे। तो ये आएगा हमारा टोटल कर लेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट 0, 0, 0 एंड 0, 9, 9 to 11, 11, 5, 11, 5, 16, 16, 4, 20, 0, 2 और 1, 3। ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल 30,000 और इसका वेटेज का टोटल आएगा 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। ठीक है, ये हमारे टोटल निकल कर आ जाएंगे। अब जो हमारा फार्मूला है वो फार्मूला हमारा क्या पुट हो जाएगा, इसमें फार्मूला पुट कर देंगे। फार्मूला हमारा जो था ऊपर हमने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था, फार्मूला मेंशन कर देते हैं फिर से। वेटेड एवरेज टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन आ जाएगा टोटल ऑफ वेटेज। टोटल ऑफ वेट्स तो हमारा टोटल कितना था, टोटल ऑफ प्रॉफिट कितना आया था हमारा 3 लैक्स। टोटल ऑफ वेट आया था, वेट्स आया था हमारा 10, तो 0 से 0 कट हो जाएगा। आंसर आ जाएगा ₹30,000। एंड अगर फॉर्मूला पुट करेंगे उसमें जो हमारा गुडविल का फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा गुडविल इज इक्वल टू वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज, तो यह आ जाएगा गुडविल इक्वल टू वेटेज एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल कर आया 30,000। ठीक है, पीस 30,000 और नंबर ऑफ इयर परचेज था क्वेश्चन में, ये दे रखा है अप्रैल लास्ट फोर इयर्स वेटेज एवरेज प्रॉफिट।
3 years value at 3 years purchase into 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू रुपीज 90,000। यही हमारा गुडविल वैल्यू होकर आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हम इसी टॉपिक का एक और वीडियो क्वेश्चन ले लेते हैं। वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है हमारा जो इस तरह से है, हरि एंड कृष्ण एंड कृष्ण आर पार्टनर्स in a firm the profit earned by them in the profit earned by them in the last 3 years before charging remuneration remunerations of partners remuneration of partners amounting as follows, ठीक है, तो ये से हमारे 2014 में रुपीस कितना है हमारा प्रॉफिट 2 लाख 2014 में जो प्रॉफिट है हमारा वो रुपीस 2 लाख है एंड इन 2015 जो प्रॉफिट आ रहा है रुपीस 2,30,000, ठीक है 2013 में एंड में जो प्रॉफिट आ रहा है हमारा रुपीस 2,50,000, ये हमारा प्रॉफिट है लास्ट 3 इयर्स का। आगे कह रहा है द गुडविल ऑफ ए फर्म द गुडविल ऑफ ए फर्म इज टू बी वैल्यू एट 4 years purchase of weightage average
प्रॉफिट वेटेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट थ्री ईयर्स द प्रॉफिट ऑफ टू बी वेटेज as 1, 2, 3. The greatest weight being given to the last year. ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. ये हमसे गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है. तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आ रहा है कैलकुलेशन ऑफ टोटल ऑफ वेट. तो हमारा वही टेबल बन जाएगा. फिर से इस तरह से हम एक टेबल बनाएंगे. पहला कॉलम हमारा बन जाएगा ईएस का, दूसरा कॉलम हमारा बन जाएगा प्रॉफिट का, तीसरा कॉलम हमारा बन जाएगा सैलरीज का, चौथा कॉलम हमारा फाइनली जो अमाउंट निकल कर आएगा, पांचवा कॉलम हमारा वेटेज का, और फाइनल कॉलम हमारा बनेगा उसका प्रोडक्ट्स का. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ईयर ईयर्स कौन कौन से ईयर है, 2014, 2015 और 2016. ये थ्री ईयर्स है हमारे. थ्री ईयर्स का जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, पहले में हमारा 2 लाख था. ठीक है, दूसरे सेकंड ईयर में हमारा था प्रॉफिट 2,30,000 और थर्ड ईयर में प्रॉफिट था 2,50,000. ठीक है, ये थ्री ईयर्स के प्रॉफिट आ गए थे. रेमोनरेशन था हमारा एवरी ईयर में यहाँ पर 50,000, तो 50,000 रेमोनरेशन मीन सैलरी. फिफ्टी थाउजेंड. ठीक है, और 50,000 ये हमारी सैलरी आ गई. प्रॉफिट आफ्टर सैलरी आपका सैलरी निकल कर आ रहा है हमारा 2 लाख माइनस 50,000, तो 1,50,000. ठीक है, सेकंड में हमारा जो प्रॉफिट निकल कर रहा है 2,30,000 माइनस 50,000, 1,80,000. और थर्ड में हमारा जो प्रॉफिट निकल कर रहा है 2,50,000 माइनस 50,000, 2 लाख. ठीक है, ये हमारा ओवरऑल प्रॉफिट निकल कर रहा है.
इसमें जो वेट्स गिवन है वो वेट्स है हमारे, वेट्स आर 1, 2, 3, ये हमारे वेट्स निकल कर आ रहे हैं। अब जो हमारा प्रोडक्ट आएगा प्रोडक्ट निकल कर आया 1,50,000, ठीक है। सेकंड का प्रोडक्ट निकल कर आया हमारा 3,60,000, ये हमारा सेकंड का प्रोडक्ट निकल आएगा। और थर्ड का प्रोडक्ट निकल कर आएगा 6 लैक्स। इतना सब का टोटल कर लेंगे, प्रोडक्ट का टोटल आएगा हमारा 6,39,91,10,10,1,11,10,000, ठीक है। ये आ गया हमारा 11,10,000, ठीक है। इसका जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आएगा हमारा 2,35,16, क्लियर है। तो ये हमारा निकल कर आता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट और वेटेज का टोटल। तो अब हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ वेटेज प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ इज इक्वल टू रुपीज 11,10,000 11,10,000 अपॉन 6 इज इक्वल टू रुपीज, कट करेंगे इसको 11,10,000 को तो आ जाएगा हमारा रुपीज 1,85,000 हमारा कट हो करके इसका एवरेज निकल कर आ जाएगा, ठीक है। जो गुडविल तुम्हारा है उसके फॉर्मूला आ जाएगा गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज टू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ठीक है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो वेटेड एवरेज हमारा कितना आया 1,85,000, ठीक है। और जो नंबर ऑफ इयर्स परचेज आया है वो हमारा कितना आया, वो नंबर ऑफ ईयर परचेज है हमारा क्वेश्चन में 4, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4, तो ये आ जाएगा। इसको इंटू करेंगे तो रुपीज इंटू करेंगे 0,0,0,4,5,20,0,4,8,4 और ये आ जाएगा 4×4 और 3×7 7,40,000, ये ओवरऑल हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। ये गुडविल का 7,40,000 गुडविल आ जाएगी हमारी 7,40,000 की। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा हमारा पॉइंट चेंज था जिसके बेसिस पर हमने वेटेज निकाले हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज के बेसिस पर क्वेश्चन क्या था दोबारा हम समझ लेते हैं इसको।
इसमें कह रहा है हरी एंड कृष्ण आर पार्टनर्स इन ए फार्म द प्रॉफिट अर्न बाय देम इन लास्ट थ्री इयर्स बिफोर चार्जिंग रेमोनरेशन ऑफ पार्टनर्स अमाउंटेड रुपीज 50,000 पार्टनर्स की सैलरी चार्ज करने से पहले ठीक है एज आर एज फॉलोज तो पार्टनर की सैलरी चार्ज करने से पहले कितना था 2014 में प्रॉफिट था हमारा 2,00,000 का 15 में प्रॉफिट था हमारा 2,30,000 का 16 में प्रॉफिट था हमारा 2,50,000 का और द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यू एट 4 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो हमारी गुडविल फर्म की वैल्यू की जा रही है वो किस पर की जा रही है वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स परचेज ठीक है ऑफ लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट हमारा 2,30,000 एंड 2,50,000 द प्रॉफिट टू बी वेटेड एज उन प्रॉफिट को हमने वेटेज जो दिया था वो क्या दिया 2,00,000 वाले को हमने वेटेज दिया 1 2,30,000 वाले को वेटेज दिया 2 और 2,50,000 वाले को वेटेज दिया हमने 3 ठीक है द ग्रेटेस्ट वेटेज बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर सबसे लास्ट ईयर वाले को हमने सबसे हायर वेटेज दिया ठीक है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल हमसे गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है तो उसके लिए हमारा जो वेटेज हम निकालते हैं तो हमें प्रोडक्ट बेसिस पर फाइंड आउट करना होता है इसका जो हमें प्रोडक्ट निकालना है वो प्रोडक्ट किस तरह से हमारा एक टेबल और एक चार्ट के बेसिस पर कंप्लीट होगा ठीक है यहाँ पर हमारे ईयर्स गिवन है 2014, 2015, 2016 ईयर्स गिवन है हमारे यहाँ पर हमारा प्रॉफिट है एवरी ईयर्स का 2,30,000 एंड 2,50,000 सैलरी गिवन है हमारी 50,000 एवरेज ईयर्स की हमने क्या किया इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर सैलरी 1,50,000, 2,00,000 - 50,000, 1,50,000, 2,30,000 - 50,000, 1,50,000 - 50,000, 2,00,000 - 50,000, 2,00,000 ठीक है इसके वेटेज थे हमारे 1, 2 और 3 हमने क्या किया प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या किया प्रॉफिट आफ्टर सैलरी इंटू वेटेज इसका इन दोनों का इंटू कर दिया 1,50,000 × 1, 1,50,000 1,80,000 × 2, 3,60,000 और 2,00,000 × 3, 6,00,000 तो ये इसका टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमने किया तो इसका टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है 11,10,000 फार्मूला हमने इसमें पुट किया और वेटेज का टोटल आ जाएगा 6 फार्मूला हमने पुट किया वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ वेटेज प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेटेज तो टोटल ऑफ वेटेज प्रॉफिट हमारा आया था 11,10,000 और वेटेज आया हमारा 6 इक्वल टू 1,85,000 तो इसमें कह रहा है गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज तो वेटेड एवरेज हमारा जो गुड निकल कर आया था वो कितना आया था 1,85,000 × 4, 7,40,000 तो ये इस तरह से हमारा ओवरऑल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है इस तरह से उसका आंसर हमारा निकल कर आया अब देखो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था यहाँ पर हमने दो टॉपिक्स अब तक पढ़े हैं किसके केवल एवरेज प्रॉफिट मेथड के ठीक है तो उस एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम दो तरीके से सॉल्व कर रहे थे या ये कह सकते हैं कि हमारा जो सिंपल उसका था एवरेज प्रॉफिट मेथड जो था हमारा उस एवरेज प्रॉफिट मेथड को हमने दो बेसिस पे किया था एक सिंपल मेथड पे हमने सॉल्व किया था दूसरा हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालना था सिंपल मेथड के हमने कुछ क्वेश्चंस लास्ट वीडियोस में किए थे उसके बाद हमने इस वीडियो में वेटेड एवरेज के क्वेश्चंस किए और इसके जो वेटेड एवरेज के हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वेटेड एवरेज क्वेश्चंस का तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो हमारा दो मेथड से कैलकुलेट होता है एक सिंपल मेथड से कैलकुलेट होता है दूसरा हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट होता है सिंपल में क्या करते हैं सीधा सीधा सा हम ये जितने भी प्रॉफिट्स आते हैं उनको प्लस कर देते हैं लेकिन वेटेज वाले में क्या होता है जो प्रॉफिट होता है उसका इंटू करते हैं वेट से फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट निकालते हैं प्रोडक्ट के निकालने के बाद तब हम उसका एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं लेकिन उसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या था टोटल किया हमने प्रॉफिट का उसका अपॉन में नंबर ऑफ इयर्स जितने भी हमारे प्रॉफिट है उसका डिवाइडेड कर दिया तो उसका हम डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट निकाल देते थे तो ये बेसिकली दोनों मेथड्स में हमारे फर्स्ट मेथड कॉन्सेप्ट में ये दोनों मेथड्स हमारे अप्लाइड किए जाते हैं इनके बेसिस पर हमारा आंसर ओवरऑल इस तरह से निकल कर आता है ऑन द बेसिस ऑफ द वेटेज ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड यहाँ पर कहने का मीन सिंपल सा क्या है कि जो हमारा वेटेड एवरेज निकाले या हम कह रहे हैं एवरेज प्रॉफिट निकालें
दोनों को निकालने के लिए हमें उसके पॉइंट्स को इस तरह से कैलकुलेट करना होता है।